हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। इडली को तो हम अक्सर सांभर या चटनी के साथ खाते हैं, आज उसी इडली को मैं एक नए ट्विस्ट के साथ लेकर आई हूँ, जो है चिली इडली की रेसिपी। बिना कोई देर किए स्ट्रीट स्टाइल चिली इडली की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चिली इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 इडली ली हुई है। इडली को आप पहले से ही बनाकर रख सकते हैं या फिर बची हुई इडली का भी यूज कर सकते हैं। इडली को हम सबसे पहले कट कर लेंगे। इसे मैंने लंबाई में 4 टुकड़ों में कट किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने सभी इडलियों को कट करके रख लिया है। चलिए इसके लिए अब हम एक बैटर बना लेते हैं। एक बाउल में सबसे पहले 1/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच चावल का आटा डाल लेंगे। चावल का आटा इसमें ऑप्शनल है। इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। इसमें आप पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी डाल लिया है। पानी डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये अभी बहुत थिक है, इसमें हम अभी थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी और ऐड कर लिया है। पानी डालकर आप इसे मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ बैटर बना लें। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें एकदम पतली या गाढ़ी नहीं रखनी है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। बैटर अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इडली के ऊपर बहुत मोटी लेयर आ जाएगी, जिससे कि हमें मैदे का टेस्ट आएगा। बैटर अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इडली के ऊपर ये अच्छी तरह से कोट नहीं होगा। अब ये बैटर रेडी हो चुका है। बैटर में कट की हुई इडली के पीसेस को कोट कर लेंगे। यहाँ मैंने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया था। कोट की हुई इडली के पीसेस को एक एक करके हम तेल में डालते जाएंगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप इसे पलटते हुए सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं कि इनका अब कलर चेंज हो चुका है, तो इसे मैं अब पलट दूंगी। इन्हें हमें गोल्डन कलर आने तक के फ्राई कर लेना है। इडली क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है, साथ ही इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है। इसे अब बाहर निकाल लेंगे। सेम तरह से मैंने सभी इडली को फ्राई कर लिया है। फिर एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। इन दोनों को हमें 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है। फिर इसमें प्याज और शिमला मिर्च को डाल लेंगे। आप यहाँ पीली और लाल शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को भी साथ में डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेना है। हरे प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट है उसे बारीक काट कर अभी डाल लेंगे। इसे बिल्कुल हल्का सा सॉटे कर लेना है और यहाँ पिंच ऑफ रेड फूड कलर का यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसे डालने से एकदम स्ट्रीट स्टाइल लुक आ जाता है। इसे हम मिला लेंगे। नेक्स्ट इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1.5 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। सभी सॉसेस डल जाने पर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें 4 बड़े चम्मच पानी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस पेस्ट को भी अब इसमें ऐड कर लेना है और उसे भी आप अच्छी तरह से मिला लें। सभी चीज़ें मिल जाने पर एकदम थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप देखकर ही डालें, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। तो इस तरह से चिली इडली का मसाला तैयार है। तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें फ्राई की हुई इडली को ऐड कर देंगे। इडली को हमें सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही आप इडली ऐड करें, वरना आपकी इडली सॉफ्ट हो जाएगी और इसे खाने में मज़ा नहीं आएगा। चिली इडली ऑलमोस्ट रेडी है। इस पर मैं बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल लूँगी और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
तो एकदम डिफरेंट स्टाइल की चिली इडली बनकर रेडी है। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। चिली इडली को गर्मा गर्म खाने में ही मजा आता है, तो आप भी इस चिली इडली की झटपट रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे खाकर तो आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।